सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पहले से जानते होंगे, कुछ नए कैंडिडेट होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो आप सभी को बता दें कि देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की बारे में मैं जब से वीडियो बना रहा हूं, जब मेरी खुद यूपी पुलिस कांस्टेबल में जॉब नहीं लगी थी, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में जॉब लगने के बाद भी मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं एज ए पैशन। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जॉब लग जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया हो। सारी चीजें जो अभी आप फेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैं फेस कर चुका हूं, और किस किस तरीके से कहां कहां प्रॉब्लम आती है मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के सामने क्या समस्या होती है उन सभी समस्याओं के बारे में मैं जानता हूं। तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे क्योंकि अपना चैनल आज से नहीं है, 6 साल पहले से है अपना चैनल, लगातार आप सभी को हम अपडेट दे रहे हैं। तो कभी नहीं चाहते कि हम किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि जिन दिक्कतों से हम खुद गुजरे हैं मैं कभी नहीं चाहूंगा कि दूसरा बच्चा भी उन दिक्कतों से गुजरे। अब देखिए यहाँ पे बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में, तो आप सभी को बताएं कि यहाँ पे पदों की संख्या तो लगातार बढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे आपके पदों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जो आवेदन की तिथि है वो भी बढ़ी है। यानी कि अभी तक एग्जैक्ट कभी कंफर्म हो ही नहीं पाया कि कब आपकी वैकेंसी आउट हो जाएंगी। लगातार कभी अखबारों में आ जाता है, कभी कहीं आ जाता है, कभी न्यूज चैनल पे आ जाता है, इस तरीके से कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आती रही है कि अब वैकेंसी आने वाली है, अब वैकेंसी आने वाली है। इस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ उम्मीद दिखती रही है कि शायद वैकेंसी आ जाएंगी, लेकिन काफी लंबा समय हो चुका है और काफी लंबे समय से ये वैकेंसी अब तक रिलीज नहीं हुई है, जिसके बाद बच्चे काफी ज्यादा निराश होने लगे हैं। क्योंकि देखिए निराश होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये आसानी से कहा जा सकता है कि आप तैयारी करो, लेकिन बहुत सारे बच्चों के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है लगातार तैयारी करते रहना। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाए कि भाई अब वैकेंसी 6 महीने बाद आने वाली है, तो हम क्या करते हैं कि पहले से ही अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जहां पे भी हमें तैयारी करनी होती है उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इतने लंबे पीरियड तक किसी बच्चे की इतनी इफिशियंसी नहीं होती और किसी की कोई जाके अपनी आराम से वहां पे तैयारी कर पाए, क्योंकि किसी की फैमिली अफोर्ड कर पाती है, किसी की फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। अभी 2 साल से ये बात चल रही है और 2 साल से कोई लगातार बच्चा हो सकता है कि भाई दिल्ली पढ़ने की उसकी क्षमता ही ना हो, उसकी फैमिली अफोर्ड ही ना कर पा रही हो, लेकिन अगर ये पहले से पता होता कि ये वैकेंसी 3 या 4 महीने बाद कंफर्म आ जाएंगी, तो वो बच्चा दिल्ली जाके तैयारी कर सकता है, अन्य किसी भी कोचिंग में या किसी भी शहर में जाके तैयारी कर सकता है। इसी वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने अन्य शहरों में गए और वहां पे उन्होंने तैयारी की, फिर वैकेंसी नहीं आई तो वो वापस आ गए, क्योंकि भाई खर्चों के लिए पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे नहीं होते कि वो आराम से अपना सारे खर्चे चला पाए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ कब सकती है और हमें करना क्या चाहिए, तो देखो मैं आप सभी को सिंपल वही गाइड करूंगा जो खुद अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम यही किया था। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने भी लगभग सेम स्थिति थी कि मैं इंतजार कर रहा था कि कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, उसका एग्जामिनेशन देंगे, जाके दिल्ली तैयारी करने लगे, लेकिन जब तक तैयारी करते रहे जब तक वैकेंसी नहीं आई, लेकिन जब घर पे आ गए तो उसके बाद वैकेंसी आई। तो यहाँ पे देखो चीजें होती हैं कि पढ़ाई का सबसे मेन जो चीज होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो नहीं टूटना चाहिए, लगातार आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, क्योंकि वहां पे जाके अपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो मैक्सिमम जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो डेफिनेटली अब आपको आ गई होंगी। अब उन्हें आपको सिर्फ एक्सपेंड करने के लिए रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी, और हमें क्लैरिटी की ही जरूरत होती है। अगर आपने उस पर काम कर लिया तो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि जब मैं ज्यादा पढ़ता था तो मेरे एग्जाम नहीं निकला था, जब मैंने कम पढ़ना स्टार्ट किया लेकिन सही तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा एग्जाम निकल गया था। तो मैं आपको फिलहाल यही सजेस्ट करूंगा कि जो वैकेंसी आने का है वो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है, और ये जो मैं आज की अपडेट आपको जो दे रहा हूं वो लेटेस्ट अपडेट के साथ दे रहा हूं, क्योंकि जिसकी तलाश है गवर्नमेंट को भी वो तलाश ही पूरी नहीं हो पाई है। बच्चे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अभी इस वजह से आपकी वैकेंसी आने के यहां 1-2 महीने में चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मैं पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने रेगुलरली छोड़ दी तो देखो ये वैकेंसी अचानक से आएंगी, और याद रखना कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा, यानी कि जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होगी उससे 1.5 महीने के अंदर, यानी कि अगले 60 से 75 दिन के अंदर ये मानना कि आपके एग्जामिनेशन की डेट फिक्स हो जाएगी और आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। और कांस्टेबल में जो कंपटीशन का लेवल है वो आप अच्छे से समझते हैं, 2018 के बाद अब ये भर्ती आएगी 2023 में, तो कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। तो आपके दिमाग में सिर्फ ये थॉट नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी कब आएंगी, आपके दिमाग में ये भी थॉट होना चाहिए कि चाहे जो हो जाए लेकिन मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, ये आपको अपने दिमाग में पहले से ही रखना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि वैकेंसी आ जाए या कल आए,
अब रही बात ओवरेज होने की, तो देखो भाई ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, कुछ भी होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, गवर्नमेंट जितना छूट देगी उतने पे ही आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा चाहे आप ट्विटर कैंपेन चलवाना, कुछ भी चलवाना, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो चीजें जैसे रहेंगी वो एज इट रहेंगी, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमम चैनल्स को मैं अच्छे से जानता हूं, जब मैं 6 साल से खुद ये काम कर रहा हूं तो मैं अच्छे से जानता हूं कि लोगों का चल क्या रहा है। मैक्सिमम लोगों का जो रहता है सिर्फ आपके इमोशंस से अटैच होके सिर्फ व्यूज बटोरना होता है, उसके अलावा कुछ भी मेन काम उनका नहीं होता। जैसे कि ट्विटर कैंपेन वगैरह, अब ट्विटर कैंपेन वगैरह का ऐसा नहीं है कि रैंडम आप कभी भी स्टार्ट कर दो तो उससे कुछ हो जाएगा। भाई कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करनी है तो मे भी एक चांस बनता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ट्विटर कैंपेन से हम बदलाव नहीं करवा सकते, और वो भी हर चीज में तो बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ जाए, कुछ चैनल है जो आपके लिए जेन्युइनली काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का यही काम रहता है कि कैसे भी सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एकदम इनोसेंट, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें लगता है कि हमारा भला चाहने वाला है, लेकिन एक्चुअल वो आपका पहले भला नहीं चाह रहा है, पहले वो अपना भला चाहेगा, उसके बाद शायद आपकी सोचे, कंफर्म नहीं है कि सोचेगा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठाइए, वो आपके लिए जरूरी है। अगर दोस्त बनाना है, भरोसा करना है, तो किताबों पे करिए, खुद पे भरोसा करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता दिला पाएंगी। तो बस तैयारी करते रहिए, वो आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये समझ लो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी इस क्राइटेरिया होगा उसके साथ फॉर्म फिल करना है और सिलेक्शन लेना है, बस यही दिमाग में थॉट रखने, इसके अलावा ज्यादा सोचना नहीं है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी का फिर मैं आपको कह रहा हूं कि वैकेंसी कब आएंगी, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैसे उम्मीद अभी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन कल को ही नोटिफिकेशन आ जाए तो भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कल को सभी क्लेम करने लग जाएंगे कि हमने बोला था कि वैकेंसी आने वाली है, जबकि आप सभी को पता है कि बोल तो सब 2 साल से रहेंगे वैकेंसी आने वाली है। तो भाई तैयारी में जुटे रहो, अभ्यर्थियों के साथ ये हमेशा कॉमन प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने बोला था, आपने नहीं बोला था, आपने जब बताया था, क्योंकि सारी चीजें ऐसे समझो कि अगर कुछ चीजें निकल के आती हैं तो आपको हर बंदा अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगा के इन्फॉर्मेशन दे देता है। बाकी का कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी यूट्यूबर या किसी भी टीचर के हाथ में वो वैकेंसी निकालना, अगर हाथ में हो तो वो 10 लाख वैकेंसी एक ही दिन में निकाल के आपके फॉर्म भरवा के आपको सिलेक्शन दे दे, लेकिन ये संभव नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जो भी बच्चे हैं वो इस सारी चीजों को समझ गए होंगे। जहां से भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, उम्मीद तो जल्दी ही वैकेंसी आएंगी, और अगली बार की जो दिवाली होगी वो आप सभी के लिए बेस्ट दिवाली साबित हो, क्योंकि इस बार की तो आपकी ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि अगली दिवाली आपकी ज्यादा कलरफुल हो और आपकी दिवाली बहुत धूमधाम से मने, और यही उम्मीद करते हैं और यही कामना करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो में जब भी आपसे कनेक्ट हो तो आपकी वैकेंसी शायद आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो में जब भी आपसे कनेक्ट हो तो आपकी वैकेंसी शायद आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।